हेलो नमस्ते, वेलकम टू अनदर न्यू लाइव वीडियो ऑफ विन ट्रेडर। आज मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ रिलायंस कैश का चार्ट। एंड ये टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, 5 मिनट के ऊपर हमने सेट किया है। एंड अभी आप लाइव देख सकते हैं रिलायंस 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमें सेल सिग्नल मिला है, 2107 हमें सेल सिग्नल मिला है। ऊपर के डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं 2107 पे हमें सेल सिग्नल मिला है। तो जैसे ये सॉफ्टवेयर जो हमें सिग्नल देते हैं, वो बाय सिग्नल या सेल सिग्नल देते हैं ना, तो डायरेक्ट हम ट्रेड लेने से पहले हमें इसका कंफर्मेशन चेक करना होगा। मींस हर सिग्नल पे हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, हमें इसका कन्फर्मेशन चेक करना होगा। कन्फर्मेशन अभी आप देख सकते हैं हमें सेल सिग्नल ही मिला है। तो सेल का फर्स्ट कन्फर्मेशन आप सीधे नीचे देखिए, प्राइस सीधे बॉटम बार में प्राइस सेल जोन करके लिखा हुआ आना चाहिए। सेल होगा तो नीचे प्राइस सेल जोन में आना चाहिए। एंड सेल सिग्नल के सीधे नीचे आप देख सकते हैं एक बार कंफर्मेशन बार है ना, वो एक पट्टी जैसा, इसका कलर भी रेड में आना चाहिए। दोनों पैरामीटर कंफर्म होगा देन ओनली वो सिग्नल पे हम ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स अभी यहाँ पे जो सेल सिग्नल मिला है इसमें दोनों कन्फर्मेशन कन्फर्म नहीं है, दोनों पैरामीटर कन्फर्म नहीं है। दैट मीन्स इट्स अ फेक सिग्नल। फेक सिग्नल इसलिए कि वो एक साइडवे का इंडिकेशन दे रहा है, मार्केट साइडवे चल रहा है। आप देख सकते हैं इसका कैंडल का कलर चेक कीजिए, मैंने काफ़ी वीडियो पे आपको बताया कि ये नॉर्मल कैंडल्स रेड एंड ग्रीन है। तो ये रेड एंड ग्रीन के अलावा जो कलर्स आते हैं ना, वो साइडवे का इंडिकेशन है। सेल सिग्नल आने के बाद आप देखिए पूरा कैंडल लाइट ब्लू, एमडी कैंडल, वाइट कैंडल सब भी फॉर्म हो रहा है ना, इससे साइडवे इंडिकेशन। साइडवे में क्या होता है कि एक 80-90% रिवर्सल का चांस है, तो बेटर इसलिए वहां पे सॉफ्टवेयर ने हमें कंफर्मेशन नहीं दिया था। तो हमें नेक्स्ट सिग्नल के लिए वेट करना होगा। अभी आप देखिए बाय सिग्नल में मिला है, बाय का जैसे सिग्नल आते हैं ना, सेम टाइम पे आप लेफ्ट साइड में देखिए, वहां पे एक अलर्ट मैसेज है ना, इसी तरह के अलर्ट मैसेज आएगा, वो भी एक साउंड इफेक्ट के साथ। अदरवाइज सीधे ये अलर्ट में भी आ जाएगा, नहीं तो सीधे ऊपर के डैशबोर्ड में आप चेक कीजिए, वहां पर लिखा है ना रिलायंस M5 5 मिनट के चार्ट, एंड इसके बाजू में लिखा है बाय एट 2115.60। इसका डिटेल्स वो ऊपर की डैशबोर्ड में भी आ जाएगा। एंड आप देख सकते हैं बाइसिकल में मिला है 2115.60 एंड ये कंफर्म सिग्नल है। कंफर्मेशन आप सीधे नीचे चेक कीजिए, बाय सिग्नल का फर्स्ट कंफर्मेशन प्राइस बाय जोन करके लिखा हुआ आना चाहिए। एंड नीचे सीधे नीचे वो पट्टी जैसा है ना, उसका वो बार कलर ग्रीन में आना चाहिए। ओनली दो ही कंफर्मेशन हमें चाहिए, करंटली ये दोनों पैरामीटर कंफर्म है। दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट हम ट्रेड ले सकते हैं मार्केट रेट पे। जैसे कंफर्मेशन मिलेगा ना, डायरेक्ट हम मार्केट रेट पे ट्रेड ले सकते हैं। एंड सीधे नीचे आप देखिए स्टॉप लॉस आ जाएगा, वो भी ट्रेडिंग है। एंड उसके बाजू में टारगेट, फर्स्ट टारगेट अभी आ गया। फर्स्ट टारगेट हमारा 2120.25 का था, वो अभी अचीव हो गया। एंड सेकंड टारगेट आप देखिए, सेकंड टारगेट 2123 एंड थर्ड टारगेट 227.70। ये तीनों टारगेट नीचे, जैसे सिग्नल आता है ना सेम टाइम पे तीनों टारगेट एंड स्टॉप लॉस सीधे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। एंड ये हमने लाइव मार्केट में ही कैप्चर किया है, तो ये लेंथी वीडियो होगा, ये लेंथ ज़रा कम करने के लिए इसका स्पीड हमने ज़रा बढ़ाया है। तो आप ये अभी देख रहे हैं ना, ये लाइव ही है। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस का ही है, रिलायंस कैश का है। सेम स्ट्रैटेजी आप सभी में यूज़ कर सकते हैं, वेदर वो एनएसई कैश होगा या फ्यूचर्स होगा, ऑप्शंस होगा या करेंसीज होगा, एमसीएक्स, जो हमारा सॉफ्टवेयर ऑल मेजर फिनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करते हैं। एंड आप देख सकते हैं सेकंड टारगेट अच्छी हो गया, तो हमारा फर्स्ट टारगेट भी आ गया एंड हमारा सेकंड टारगेट भी आ गया, तो दोनों टारगेट हमारा अचीव हो गया। सो सेकंड टारगेट आप देख सकते हैं 2124 का, तो वो ऑलरेडी आ गया। अभी हमारा थर्ड टारगेट के लिए हमें वेट करना है। इसके बीच में आप देख सकते हैं एक री एंट्री सजेशन आ गया। री एंट्री भी मैंने आपको काफ़ी वीडियो पे बताया था। री एंट्री मीन्स फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा फर्स्ट हमने एंट्री लिया, डायरेक्ट सिग्नल पे हमने एंट्री लिया और हमारा फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट पे हमने एक्सिट किया, एक्सिट करने के बाद भी अगर इनकेस मार्केट सेम ट्रेंड में चलेगा, तो मार्केट जितना ट्रेंडी मार्केट होगा तो सिग्नल कंटिन्यू चलेगा, वहाँ पर सॉफ्टवेयर हमें अगेन एक अपॉर्चुनिटी देगा री एंट्री करने का। अभी आप देख सकते हैं री एंट्री का भी टारगेट अचीव हो गया, 2120.95 पे हमें सिग्नल मिला था, उसका टारगेट नीचे आप सीधे नीचे टारगेट लिखा है, वो टारगेट अभी अच्छी हो गया। तो इसका हमारा दो टारगेट, डायरेक्ट एंट्री के हिसाब से हमारा दो टारगेट अच्छी हो गए एंड री एंट्री भी दिया है, वो री एंट्री भी अच्छी हो गया। री एंट्री आपको दो टाइम पे आप ले सकते हैं, एक तो हमारा फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट अचीव होने के बाद कंटिन्यूएशन होगा तो री एंट्री के हिसाब से दोबारा इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारा सिग्नल आ गया उसके बाद आप मार्केट चेक कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप है ना डायरेक्ट एंट्री मिस किया तो री एंट्री ऑप्शन देगा, तो वहां पे हम डायरेक्ट री एंट्री के हिसाब से डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं।
अभी आप देख सकते हैं तीसरा टारगेट हमारा अचीव हो गया. तीसरा टारगेट वॉज 2127.70. तो तीनों टारगेट अभी अचीव हो गया. सॉरी अभी अचीव हो गया मीन्स डायरेक्ट एंट्री के हिसाब से हमारा तीनों टारगेट अचीव हो गया एंड एक री एंट्री भी आ गया. उसके बाद भी मार्केट कंटिन्यू चल रहा है तो हम चेक करते हैं वेदर वो दोबारा री एंट्री देते हैं नहीं. अभी आप देखिए दोबारा हमारा सॉफ्ट ने री एंट्री दिया है 2137.95 पे हमारा री एंट्री सेकेंड री एंट्री मिला है एंड इसका टारगेट सीधे नीचे आप देखिए 2142.65. तो हम ये चेक करते हैं वेदर ये सिग्नल री एंट्री का टारगेट अचीव होते हैं नहीं वो आप हम चेक करते हैं. हाँ अभी आप देखिए टारगेट सेकंड री एंट्री का टारगेट भी हमारा अचीव हो गया 2142.65 का था हमारा टारगेट वो भी अचीव हो गया. दैट मीन्स हमारा डायरेक्ट एंट्री के हिसाब से तीनों टारगेट भी अचीव हो गया. उसके बाद भी ट्रेंडी मार्केट है इसलिए सॉफ्ट री एंट्री देते जाएगा. तो अगर आप इसमें री एंट्री भी लेना चाहते हो ये फर्स्ट री एंट्री आ गए उसके बाद भी अगर दोबारा आप री एंट्री देगा तो उसमें भी आप ट्रेड लेना तो ले सकते हैं. एंड अभी देखिए तीसरा री एंट्री आ गया 2145.90 पे हमारा तीसरा री एंट्री आ गया. इसका टारगेट है 2050.62 दैट मीन 60. तो हम चेक करते हैं वेदर ये अचीव होते हैं नहीं. तो ये सेम स्ट्रैटेजी सभी में अप्लाई कर सकते हैं वेदर वो MCX या NSE या FOREX COMEX जो भी है हम फुल सभी में सपोर्ट करते हैं. अभी मैंने आपको ये लाइव दिखाना है वो आप लाइव देखना चाहते हो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं. माय नेम इज़ गंगा एंड आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9061973737 पे. ये नंबर पे मेरा व्हाट्सअप है व्हाट्सअप भी है उसमें आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज भी डाल सकते हैं. अदरवाइज यू कैन लॉग इन टू www.wintradersoft.com. थैंक यू.